बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है फ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक्स। इसके लिए जो अपरेटस रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेटल ट्रे या पैन, मेटल ट्रे भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ मेजरिंग स्केल, डिस्टिल वाटर, और हमारे पास स्पेसिमन है जिनको हमने टेस्ट किया। इसके प्रोसीजर में सबसे पहले हम 2.5 सेंटीमीटर वाटर फिल करेंगे पैन के अंदर। ये हमने पैन के अंदर 2.5 सेंटीमीटर वाटर फिल कर दिया है। इसके बाद हम इस वाटर में स्पेसिमेन प्लेस करेंगे। इसके लिए लैब का वेंटिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ये हमने चारों सैंपल्स को स्ट्रे में और वाटर में डिप कर दिया है, और इसको तब तक हमने छोड़ देना है जब तक इसका पूरा वाटर जो है वो ब्रिक्स एब्जॉर्ब नहीं कर देती और ये एवेपोरेट नहीं हो जाता। सारा वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद ये इन्होंने सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है और कुछ एवेपोरेट हो गया है। इसके बाद हम दोबारा 2.5 सेंटीमीटर 25 mm इसके अंदर दोबारा वाटर ये देखिए हमने 2.5 सेंटीमीटर दोबारा से इसमें वाटर फिल कर दिया है। 2.5 सेंटीमीटर दोबारा से वाटर फिल करने के बाद हम इसको दोबारा उसी तरह से वेंटिलेटेड रूम में छोड़ देंगे जब तक ये सारा वाटर एवोपरेट नहीं हो जाता और इनमें एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। सारा वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद हम विजुअली इसको चेक करेंगे कि इन ब्रिक्स के ऊपर कोई साल्ट शो होते हैं तो इसका मतलब इसमें फ्लोरेसेंस है। जितने एरिया पे इसके साल्ट शो होंगे उसका हम विजुअली देख लेंगे।